भतरौड़ बिहारी मंदिर भगवान का लीला स्थान। ब्रज 84 कोस का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला न हुई हो। भगवान की लीला स्थलियों का प्रकाश भगवान के प्रिय भक्तों ने उन्हीं की कृपा से किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री नारायण गोस्वामी आदि भक्तों ने ध्यान में जाकर किस स्थान पर कौन सी लीला हुई यह बताया। भगवान की ही प्रेरणा से उन स्थलों पर लीलाओं की स्मृति के रूप में मंदिर, कुंड इत्यादि का निर्माण भक्तों ने किया। ऐसा ही एक लीला स्थल श्री वृंदावन धाम में भतरौड़ बिहारी मंदिर भी है। पुराणों में इस स्थान को अशोक वन के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और अन्य ग्वालों के साथ गाय चराते वन में बहुत दूर निकल गए। उनके लिए छाक यानी दोपहर का भोजन नहीं पहुंचाया जा सका। अन्य दिनों नंदगांव के आसपास के वनों में गाय चराते थे, वहां दोपहर की छाक सबके घर से आ जाती थी। आज घर से बहुत दूर निकल आए थे वे, गायों के साथ अशोक वन में पहुंचे जो यमुना के किनारे हरे भरे वृक्षों से भरा था। गर्मी की ऋतु में भी वहां गर्मी का आभास नहीं होता था। समीप ही यमुना जी की निर्मल धारा बह रही थी। भगवान ने यमुना में गायों को शीतल जल पिलाया, सब ग्वाल वालों ने भी यमुना का शीतल जल पिया। गायें हरी हरी घास चरने लगी। हरे भरे वृक्षों को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा, हे सखे देखो इन वृक्षों का जीवन ही धन्य है। ये स्वयं तो गर्मी, वर्षा, घाम सहन करते हैं पर दूसरों की रक्षा करते हैं। सच में इन्हीं का जीवन श्रेष्ठ है क्योंकि इनके द्वारा सभी प्राणियों की सहायता होती है। इनके द्वारा दिए गए फल, फूल, लकड़ी, गोंद सब मनुष्य के काम आते हैं। वृक्षों का कोई भी अंग व्यर्थ नहीं जाता। पत्तों से लेकर पुष्पों, फलों तक का कोई न कोई उपयोग अवश्य होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्रों, प्राणियों के जीवन की सफलता इसी में है कि उनके धन, वाणी, विवेक इत्यादि से दूसरों की भलाई हो। इन्हीं बातों में दोपहर का समय बीत गया। तब ग्वाल वालों को भूख सताने लगी। वे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर बोले, हे बलराम, हे श्याम सुंदर, तुमने बड़े राक्षसों से, दुष्टों से हमारी रक्षा की है। आज ये भूख रूपी राक्षसी भी हमें सता रही है। तुम दोनों इससे भी रक्षा की कोई व्यवस्था करो। ग्वाल वालों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों, यहां से थोड़ी ही दूर पर मथुरा के वेदवादी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। तुम वहां जाओ और मेरा और बलराम जी का नाम लेकर कुछ भात मांग लाओ। ग्वाल वालों ने यज्ञशाला में जाकर ब्राह्मणों को पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। हम ब्रज के ग्वाल भगवान श्री कृष्ण और बलराम के भेजने से आपके पास आए हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी गायें चराते हुए यहां से थोड़ी दूर पर आए हैं, वे भूखे हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो आप लोग थोड़ा भात दे दें। ब्राह्मण कुछ नहीं बोले तो ग्वाल वालों ने कहा, जिस यज्ञ में पशु बलि होती है अथवा श्रोत्रामणि यज्ञ में मदिरा का प्रयोग होता है, इन दोनों को छोड़कर किसी भी यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति का अन्न खाया जा सकता है। यह बात सुनकर भी ब्राह्मणों ने अनसुना कर दिया, न हां कहा न ना कहा, अपने कार्यों में जुटे रहे। ग्वाल वाल बहुत देर खड़े रहे, फिर निराश होकर लौट आए, आकर सब बात भगवान को निवेदित कर दी। ग्वालों की बात सुनकर भगवान ने हंसते हुए कहा कि संसार ऐसा ही है, इसमें सफलता असफलता मिलती ही रहती है। सफलता मिलने पर अतिहर्षित नहीं होना चाहिए तथा असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। समता में रहकर प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस बार तुम ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाकर अन्न की याचना करो। मेरा और आर्य बलराम का नाम सुनकर वे अवश्य तुम्हें भोजन देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं। ग्वाल वालों ने पत्नी शाला में जाकर ब्राह्मण की पत्नियों को प्रणाम करके फिर वही बात कही। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ गाय चराते हुए यहां से थोड़ी दूरी पर आए हैं। वे बहुत भूखे हैं।
उन्हीं के भेजने से हम आपके पास आए हैं। यदि आपको श्रद्धा हो तो उनको व उनके साथियों के लिए थोड़ा भात दे दीजिए। वे ब्राह्मण पत्नियां दूध दही बेचने आने वाली गोपियों के माध्यम से भगवान की मनोहारी लीलाएं सुन सुनकर उनके दर्शनों को उत्सुक हो गई थीं। उनका मन भगवान के रूप गुणों पर आसक्त हो चुका था। भगवान के पास में आने की बात सुनकर वे दर्शन के लिए उतावली हो गईं। वे बोली, हम स्वयं उन्हें अपने हाथों से भोजन देकर आएंगी। ऐसा कहकर थाल सजा सजा कर वे ब्राह्मण पत्नियां भोज्य सामग्री लेकर चल दी। ग्वालवाल आगे आगे रास्ता बताते चल रहे थे। उनके पतियों, भाई बंधुओं व पुत्रों ने उन्हें रोकने की बहुत चेष्टा की, पर वे समुद्रगामिनी नदियों की भांति किसी के रोके न रुकी। ब्राह्मण पत्नियों ने अभी जहां पर भद्रोण बिहारी मंदिर है उस स्थान पर भगवान को देखा। वे वन में सखा के कंधे पर हाथ रखकर एक हाथ से कमल घुमा रहे थे। उनका सुनहरा पीतांबर, सिर पर मोर मुकुट, गले में वनमाला, नट जैसा सुंदर वेश देखकर ब्राह्मण पत्नियों के मन की जलन मिट गई। उन्होंने लोचन मार्ग से भगवान को हृदय में ले जाकर हृदय से आलिंगन किया। आज उनकी जन्म जन्मांतर की साध पूरी हुई। भगवान तो अंतर्यामी हैं, वे तो घट घट की जानते हैं। विप्र पत्नियों की स्थिति उनसे छिपी नहीं रही। वे मुस्कुराते हुए बोले, देवियों तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हारी क्या सेवा करें। तुम मेरे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो, तुम्हारी जैसी सहृदयाओं के लिए यह उचित ही है। संसार में अपनी भलाई चाहने वाले लोग मुझे प्रियतम के समान प्रेम करते हैं, उनमें किसी प्रकार की कामना नहीं होती। संसार की सभी वस्तुएं, प्राण, मन, बुद्धि, शरीर, स्त्री, पुत्र और घर जिसके कारण प्रिय लगते हैं वह परमात्मा मैं ही हूं। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूं। तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी, अब अपने घर वापस चली जाओ। तुम्हारे पति गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, प्रभु वेद कहते हैं कि आपके पास आकर फिर लौटना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हम तो अपने पति पुत्रों सबको छोड़कर आपकी शरण में आई हैं। अपने पति पुत्रों की आज्ञा के उल्लंघन के कारण अब वे हमें स्वीकार भी नहीं करेंगे। अब आपके चरणों में आकर हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने कहा कि अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो, इसलिए कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेगा। तुम्हारे पति तुम्हारा सम्मान करेंगे। जाओ उनका यज्ञ पूरा करने में सहयोग करो। केवल अंग संग से ही मेरी प्राप्ति नहीं होती, अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें शीघ्र ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की आज्ञा से वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में अपने पतियों के पास लौट गईं। उनके लाए हुए भोजन को स्वीकार कर पत्तों इत्यादि पर रख लिया गया था। जब ब्राह्मणों को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, वे पूर्ण काम हैं, उन्होंने अन्न मांगने की लीला करके हमें सचेत करने की कृपा की, वे अपने को धिक्कारने लगे। हमारा वेद पाठ व्यर्थ गया, हम तो पंडित मूर्ख ही हैं, हमसे तो अच्छी हमारी पत्नियां हैं। वे गुरुकुल में नहीं गईं, वेद नहीं पढ़ी, उनके द्विजोचित संस्कार भी नहीं हुए, फिर भी उनमें भगवान के प्रति कैसी दृढ़ भक्ति है। अब भी भगवान को ही दूर थोड़े ही गए थे, परंतु वे ब्राह्मण कंस के भय से भगवान के दर्शन को न जा सके। अंत में यह कहकर कि हम भक्त स्त्रियों के पति हैं, अपने को समझा लिया। इस प्रकार भगवान ने याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों पर कृपा की। ब्राह्मण पत्नियों द्वारा लाया गया भोजन, उनके जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने ग्वाल वालों को खिलाया तथा स्वयं भी खाया। जिस स्थान पर भगवान ने भोजन किया था उस स्थान पर आज भद्रोण भात खाने वाले भगवान का मंदिर है। यह स्थान वर्तमान में यमुना जी से लगभग 600 मीटर की दूरी पर है। भगवान के समय यमुना जी यहां से बहती रही होंगी, अब थोड़ी दूर हट गई हैं। यह मंदिर सौसैया अस्पताल से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है। पास में ही काशीराम कॉलोनी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई है। वृंदावन माट मार्ग पर से जो मार्ग काशीराम कॉलोनी को जाता है, मुख्य मार्ग से लगभग 150 मीटर पर यह भद्रोण बिहारी मंदिर भगवान की यज्ञ पत्नियों पर की गई कृपा का साक्षी बना, आज भी भक्तों को भगवान की कृपालुता की याद दिला रहा है। वृंदावन आए तो भद्रोण बिहारी भगवान के दर्शन अवश्य करें।